ख्वातीन और हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सर मेरे साथ हैं इस वक्त और एक सेट लग रहा है जी, यहाँ पर एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही है, उसके हवाले से ये सेट लग रहा है। K2 टीवी का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है, माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे और ज़बरदस्त प्रोग्राम देता है K2 टीवी। तो ईद का एक प्रोग्राम है महफिल गज़ल के हवाले से, तो वो प्रोग्राम अभी हो रहा है यहाँ पर, यानी होगा, उसका भी सेट लग रहा है। तो सेट लगने में देखें कितने मसले मसाइल होते हैं। मेरे बिल्कुल पीछे ही जड़ा है जनाब, ये इस वक्त अकरम साहब जो हैं वो लगा रहे हैं माशाल्लाह। और ये देखें जी, ये मुकम्मल आपको एम्बियंस हम दिखाते हैं, ये सारा एम्बियंस है। और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ना जी, ये आप देखें, ये यहाँ पर सिंगर बैठेंगे और ख्वातीन हज़रात ये देखें, ये पूरी टीम लगी हुई है, पूरी टीम है। आप देखें कि कोई, यानी ऐसा नहीं है कि बस आपने कहा जी और प्रोग्राम हो गया, ऐसे होता नहीं है, पूरी टीम लगी होती है। अकरम साहब पूरी टीम लगी होती है ना, पूरी टीम होती है, सारी सारे काम कर देने। तुसी किस टाइम दे आए हो? असी तो रात में सामान छोड़ा तो सुबह 8 बजे आए हैं। शाबाश करो, कर देता हूँ। अच्छा, वेरी गुड हो गया। और ये नेम चुनिया देखे इस वक्त, नेम चुनिया सारे लोग आए हुए हैं, जबरदस्त तबला ढोलक की बातें हो रही हैं, ये देखे आप। हाँ, क्या क्या तबला ढोलक, तबला ढोलक और बांसुरी वाले जो है ना, उनको एक साइड दिखाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी कीबोर्ड प्लेयर हैं हमारे पास और गिटार प्लेयर है, ठीक है, ये हम एक साइड में होंगे। तो ये, यानी ये आपको ये नजर आ रहा है, एक एक इधर वो बैठेंगे जी, और बाकी जो है वो इस साइड पे, ये जो आपको एक नजर आ रहा है, ये इधर जनाब। अच्छा, तो आप लोगों जी जी, आप लोग जब स्क्रीन पे कोई भी प्रोग्राम देखते हैं ना, तो फौरन आप कह देते हैं कि यार ये अच्छा हुआ था या अच्छा नहीं था ना, उसके पीछे कितनी मेहनत इन्वॉल्व, कितना काम करना पड़ता है, काम करना पड़ता है सर। एक 360 आप राउंड देना सर, ये लें जी, ये सारे लोग नजर आ, ये सब आपको नजर आएंगे जनाब, ये पूरा 360 आपको दे दिया है, ये देख लें, ये ऑडियंस के लिए देखें कि किस तरह जबरदस्त किस्म का बंदोबस्त हुआ हुआ है। ये पीछे आप देख लें, ऑडियंस भी सारी हुई है माशाल्लाह। तो जनाब कीप इन टच और K2 टीवी देखते रहिएगा।